हेलो दोस्तों, वैसे तो मैं मदरबोर्ड पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने SMPS पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देखा कि जो SMPS करते हैं वो मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसी बारे में ये आपको वीडियो पहुँचा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले समझा दूँ कि क्या बोलते हैं, ये मैंने जब खोली ये पावर नहीं आ रही थी, तो इसमें देखिए आप फ्यूज उड़ रहा हुआ है। तो फ्यूज लगभग मैक्सिमम ये बोलते हैं कि ये फ्यूज दिखा है, चलो इसे बदल देते या डायरेक्ट कर देते, ये चल जाएगा। तो फिर इसके आगे चेक किया, ये डायोड भी 2 शॉट निकले। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं एक ही से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे काफ़ी। एक ये SMPS मोटी सी रखी, ये भी फॉल्टी है। थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, बट लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेटलमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको ये देखिए ये डायोड लगे हुए हैं। तो मैंने पहले बता रहा हूँ कि जैसे हमने मैंने डायोड बदल भी दिए, पहले फ्यूज़ था तो लोग क्या, फ्यूज़ बदल दिया आपने फिर उसके बाद, लेकिन हाँ फ्यूज़ जब आपका उड़ता है, जब आगे कोई चीज़ पर लोड पड़ रहा हो तभी उड़ेगा हमेशा फ्यूज। फ्यूज़ कभी भी वैसे नहीं उड़ता जैसे हमारा घर का फ्यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई हैवी लगा दिया, हैवी आगे इनपुट पे बढ़िया चीज़ लगा, मतलब हैवी लगा दिया, तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा। जब लोड नहीं उठा पाता है तभी फ्यूज उड़ता है। जैसे 230 वोल्ट 1 एम्पियर 2 एम्पियर उससे ज़्यादा आएगा तो उड़ जाएगा। तो ये मैं आप तक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल शॉर्ट देख रहा है, आप बीप रेंज में देखिए। मैं आपको दोनों चीज़ नहीं दिखा देता लेकिन बट बीप सुन लीजिए, आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए ये शॉर्ट दिख रहा है। तो इसमें जो काम है, मैं आपको ये बदलना है फिर ये बदलना है, लेकिन ये भी इसके जो ये दिखा दे रहा हूँ मैं, ये भी ख़राब है। ये मैं दिखा देता हूँ, इसमें जब तक ये PCB में लगे रहते हैं तब तक ये शॉर्ट नहीं दिखाएंगे। अधिकतर ऐसा ही होता है, मैक्सिमम केसों में ऐसा ही होता है। तो इन्हें निकाल करके चेक करना पड़ता है। जब आपको इनपुट में कुछ चीज़ शॉर्ट दिखे तो इसे निकालना कंपलसरी है। इसे ये निकाल के ही होते हैं चेक, वैसे आप करोगे तो 100% कन्फर्म नहीं है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है 54 ओम हो गई है एक की, और दूसरे की ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है। ये दूसरा वाला फुल शॉर्ट है, ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, ये 54 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। ये देखिए फुल शॉर्ट, तो ये फुल शॉर्ट है, ये 54 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो मेन बात क्या होता है, एमीटर कलेक्टर टू एमीटर हमें क्या बोलते हैं, स्विच और बेस से हमें स्विचिंग करते हैं, हमेशा बेस पर स्विचिंग आती है। और इनपुट जो होता है इसका, जो इनपुट वोल्टेज होता है वो या तो कलेक्टर पे दिया जाता है या एमीटर पे दिया जाता है। अगर हम एमीटर पर दे रहे हैं तो कलेक्टर पे हमें आउटपुट मिलेगा, और कलेक्टर पर दे रहे हो तो एमीटर पर आउटपुट मिलेगा। इसमें ये केस रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर इनपुट सप्लाई अपनी ख़राब निकली, जैसे इसमें ब्रिज ख़राब हो गया, तो ये चीज़ उड़ जाएगी। ट्रांजिस्टर एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप AC दोगे इनपुट में तो ये तुरंत उड़ जाएगी। जहाँ DC पर लगी तो DC, अगर उसमें AC आएगी तो ये उड़ जाएगी। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता कंफर्म कि ये जो अपनी सप्लाई है ये ओके होगी या नहीं होगी, लेकिन ये फिलहाल इतनी चीज़ें फॉल्टी दिख गई है इसमें। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, आगे मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, और अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कई बार ऐसा होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ शॉर्ट ना दिखे, मैक्सिमम इसी में आता है इनपुट लाइन में, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा इनपुट है ये वाला हिस्सा, और ये आउटपुट है। तो मैक्सिमम तो इनपुट में ही दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत कैसी आती है कि जैसे ये ही ज़्यादातर उड़ते हैं। तो इसे चेंज करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट कैसा है, आएगा या नहीं आएगा, ये भी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, जो बात है सीसी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 10 मिनट तक की होगी जहाँ तक है मेरा मानना। लेकिन यह है कि इसे करने के बाद आपको SMPS में भागना नहीं पड़ेगा।
ये मैंने बदल चुका है, मैं आपको बताया था कैपेसिटर वगैरह सब बदल दिया। और ये ओके चल रहा है, अभी देखिए फ़ैन घूम रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने इसमें बताया था वीडियो में, तो अब ये फुल वर्किंग कर रहा है, देख लेंगे। अच्छा, और ये कैसा था, कैसी हालत में था, लेकिन ये बात है कि इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।